हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है। एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। अब देखो इस फर्स्ट लाइन में हमें क्या गिवन है, एलिवेटर डिसेंड्स मतलब नीचे जा रहा है माइन शाफ्ट में एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। ठीक है, नीचे तो जा रहा है और इसका रेट कितना है, 6 मीटर पर मिनट है। बट यहाँ पे क्या बोला है, डिसेंड्स बोला है। ठीक है, इसका मतलब क्या, नीचे जा रहा है। अगर कोई चीज़ नीचे जाती है तो मैथ्स में हम कंसिडर करते हैं कि इसका साइन क्या होगा, फिर माइनस साइन होगा। ठीक है, निगेटिव साइन होगा। इफ़ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबोव द ग्राउंड लेवल। अब इस एलिवेटर का जो डिसेंट मतलब नीचे जाना है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ग्राउंड लेवल के 10 मीटर अबोव से। अब अगर हम इसे ग्राउंड लेवल कंसिडर करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारी एलिवेटर, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना है फिर 10 मीटर है। ठीक है, सो इस एलिवेटर को यहाँ से ग्राउंड लेवल तक आने के लिए कितना टाइम लगता है, 10 मीटर लगता है। अब आगे हमें पूछा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिच -350 मीटर। अब यहाँ पे क्योंकि -350 बोला है, इसका मतलब फिर से हमें कौन सा डिस्टेंस लेना है, नीचे का ही डिस्टेंस लेना है। ठीक है, तो -350 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा -350। क्लियर है। अब क्वेश्चन में पूछा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, टाइम हमें निकालना है। ठीक है, तो टाइम निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ये कंप्लीट डिस्टेंस पता होना चाहिए, है ना। अब एलिवेटर ने यहाँ से स्टार्ट किया, ग्राउंड लेवल तक आने के लिए 10 मीटर लगता है, इतना तो क्लियर है। और वैसे भी ये अबव था, नीचे जा रहा है, इसका मतलब इसे भी माइनस का साइन आएगा, इतना क्लियर हो गया। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना -10 में हमें प्लस करना होगा, पहले तो ये इतना -10 आया, फिर ग्राउंड लेवल से ये नीचे भी तो जाता है 350 के इसमें, है ना। तो क्या करेंगे, -10 प्लस -350। सो यहाँ पे लिखेंगे -350, तो ये कितना होता है फिर, ये -10 एज इट इज़ आएगा, ये प्लस माइनस -350। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, 350 प्लस 10 कितने होते हैं, 360 होते हैं, और साइन बड़े वाले का, तो यहाँ पे आएगा -360। तो टोटल डिस्टेंस हमने निकाल लिया -360। अब हमें टाइम निकालना है, टाइम कैसे निकालेंगे, देखो 6 मीटर जाने के लिए 1 मिनट लगता है। ठीक है, 6 मीटर जाने के लिए 1 मिनट इतना टाइम लगता है, और ये 6 मीटर कहाँ जाना है, नीचे जाना है। ठीक है, सो 6 का भी साइन आएगा माइनस का, और हमें जाना कितना है, -360 मीटर जाना है। अभी हमने कैलकुलेट करा था, ठीक है, -360 जाना है। तो क्या होगा, इस -360 को हमें इस -6 से यहाँ पे डिवाइड करना होगा। ठीक है, सो माइनस से माइनस कट होगा, 6 1s are 6 एंड 6 6s are 36 और ये 0 बचा, 6 0s are 0। सो इसका आंसर कितना आ रहा है, 60, और यूनिट क्या देंगे हम, मिनट, है ना, क्योंकि 6 मीटर जाने के लिए 1 मिनट लगता है, तो यहाँ पे 60 का यूनिट होगा मिनट। अब 60 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, 60 मिनट मतलब कितने आवर होते हैं, 1 आवर होते हैं। सो -360 मीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, 1 आवर इतना टाइम लगेगा। अब देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। द इनिशियल हाइट ऑफ द एलिवेटर 10 मीटर। देखो यहाँ पे इनिशियल हाइट मतलब क्या, कि एलिवेटर ने जहाँ से मतलब उसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, ग्राउंड लेवल तक आता है वो, तो ग्राउंड से कितना अबव था, 10 मीटर इतना अबव था, तो ये 10 यहाँ से, ठीक है, ये इतना डिस्टेंस 10 मीटर, तो इनिशियल हाइट कितनी बोलेंगे हम, 10 मीटर इतनी। ठीक है, फाइनल डेप्थ ऑफ एलिवेटर कितनी थी, -350 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस डिसेंडेंट है, नीचे जा रहा है, तो हमें निगेटिव इंटीजर लेना होगा। अब आगे देखते हैं, द टोटल डिस्टेंस टू डिसेंडेड बाय द एलिवेटर, यहाँ पे क्या करना होगा हमें, -10 प्लस -350। अभी से माइनस क्यों लेना है, अभी बताया था, क्योंकि 10 जो था ये यहाँ से स्टार्ट होता है ग्राउंड लेवल यहाँ पे, तो इसे नीचे ही आना है। ठीक है, नीचे आना है, इसीलिए माइनस का साइन है। सो यहाँ पे ये कैलकुलेशन तो इजी है, माइनस का 10 और ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और 350 प्लस 10 होते हैं 360, साइन बड़े वाले का, तो -360।
अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ गिवन है, 6 मीटर जाने के लिए 1 मिनट लगता है, सो यहाँ पे लिख लेंगे टाइम टेकन बाय द एलिवेटर टू डिसेंड -6 मीटर दैट इज इक्वल टू 1 मिनट। क्लियर है? सो अब हमें क्या निकालना है, ये तो -6 मीटर का था, हमें निकालना है -360 मीटर। सो यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन बाय द एलिवेटर टू डिसेंड -360 मीटर इज इक्वल टू -360 को -6 से डिवाइड कर लेते, सो आंसर कितना आएगा इसका, 60 मिनट आएगा, और 60 मिनट मतलब 1 आवर होता है। सो क्लियर हो गया, -360 मीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, 1 आवर इतना टाइम लगेगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।